हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इन ऑल जॉब्स प्रिपरेशन में आपका वेलकम है। वीडियो नंबर इसकी 20 है और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें 30 पॉइंट शामिल किए गए हैं जो इंतहाई अहम हैं। स्टॉक इंडिकेट्स एट टोक्यो आर नोन बाई देयर पॉपुलर नेम ऑफ। इसका जो मशहूर नेम है वो है निकी। ये टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है। एनुइटी, एनुइटी क्या है? अ सम ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एज वन ऑफ अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स। एनुइटी वो रकम है या वो रकम है जो हम फिक्स्ड पेमेंट्स के बदले में हासिल करते हैं। हबसन चॉइस गिविंग नो चॉइस एट ऑल, ये इसके नाम से मशहूर थे। ये मैंने पिक्चर ली है। अ हबसन चॉइस इज़ अ फ्री चॉइस इन विच ओनली वन थिंग इज ऑफर्ड बिकॉज अ पर्सन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वट इज ऑफर्ड। द टू ऑप्शंस आर टाकिंग ऑफर्ड, द टू ऑप्शंस आर टेकिंग इट और टेकिंग नथिंग। इन अदर वर्ड्स वन मे टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट, एक लें और एक दें। ये इसकी गिविंग नो चॉइस एट ऑल ऑप्शन चॉइस थी। आए हम अपना अगला सवाल को शुरू करते हैं। ये भी मुल्क के तनसिया का वाक्या है कि द फनोनोन द फिनोमेनन ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाई द सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बुजाजी अ फ्रूट सेलर इन। मोहम्मद बुजाजी एक फ्रूट सेलर शख्स था जिसने खुदकुशी करके एक तहरीक जो थी, अरब तहरीक जो थी वो शुरू कर दी थी। ये वाकया तनसानिया मुल्क का था। अब वोचर में भी वोचर हो सकता है, पेमेंट बिल का भी हो सकता है, वेजेस शीट्स का भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे वेजेस है, वेजेस शीट, बैंक रिसीप्ट, ऑल ऑफ दीज तमाम का वोचर जो होता है वो हो सकता है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ लीबियन किंग डिपॉजिट बाई कलोनल कदाफी इन 1969। किंग अदरीस थे उस वक़्त, लेबियन किंग थे। किंग अदरीस जब डिपॉजिट बाई कलोनल कदाफी इन 1969। हु सेड वेयर वेल्थ अकामोलेट्स मैन डेसी, गोल्ड स्मिथ ने कहा था। बाइकल लेक जो है ये रशिया में है और ये इसकी तस्वीर है। काफ़ी एरिया इसने रशिया का लिया हुआ है। बाइकल लेक रशिया की है। वाट इज द मीट बाई लेजीज फेयर, ये है नॉन इंटरफ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर में जब गवर्नमेंट जो है इंटरफेस नहीं करती, इसे लेजीज फेयर कहते हैं। उसके बाद अरब लीग के बारे में पूछ रहा है कि अरब लीग का क्याम 22 मार्च 1945 में हुआ था। 1945 अमूमन ये याद करने वाला है, 1945 और मार्च 22 मार्च 1945 में हुआ था, कायरा में हुआ था। कायरा जो है मिस्र का कैपिटल सिटी है। जो अगला हमारा सवाल है कि ब्रजुका इज़ द नेम ऑफ, ये द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014। 2014 का जो फुटबॉल कप का मैच हुआ था उसे ब्रजुका कहते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन
प्रिजन, जो नेल्सन मंडेले थे, ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने जेल में कितना वक्त गुजारा था, 27 साल इन्होंने जेल में गुजारे हैं। ये ज़िंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा जो होता है वो इन्होंने जेल में गुजारा। 27 साल बहुत अरसा होता है, ये आपने याद रखना है। ये सवाल काफ़ी मरतबा आया और अहम सवाल है। वेन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन इज़ कॉल्ड, जब स्टॉक मार्किंग की मंदी चल रही हो या गोइंग डाउन नीचे आ रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बिरिश बोलते हैं। ये काफ़ी मरतबा सवाल आया है। NTS, PPS और जो CTS है इसमें भी ये पूछा जाता है। इंटरव्यू में जो जिन्होंने BCom किया होता है उन्हें भी ये जो स्टॉक एक्सचेंज की टर्म है ये इसके मतलब का पूछा जाता है। डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज्ड फॉर, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की है, डेसिबल जो है साउंड की इंटेंसिटी के मतलब का है। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्शन इज, वो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिलिकॉन, ये सोलर सिस्टम का जो सेटअप है उसकी पिक्चर मैंने डाली है ताकि पिक्चर के जरिए सवाल जो है जहन नशीन जल्दी हो जाता है। अ चेंज इन अ इंडिविजुअल बिहेवियर प्रोमोटेड बाई इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसे मोटिवेशन मोटिवेशन कहते हैं। अ चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर प्रोमोटेड बाई इंफॉर्मेशनल एंड एक्सपीरियंस रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसे मोटिवेशन कहते हैं। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि ये इस तरह की टर्म्स PPS में पूछी जाती हैं। मोटिवेशनल है, आगे जाके मैं और एक दो तीन और भी शामिल करता हूँ इसमें। इस तरह की वीडियोस सवाल पूछे जाते हैं PPS में NTS में। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस से दैट एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज जो हैं अखलाकी मसाइल को कहते हैं, शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिवर्सल कोड, डेंटोलॉजिकल होते हैं। लिटरली द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ मोरलिटी, स्टडी ऑफ मोरलिटी द मेंटल एक्ट कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन अनदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, बिलीफ, बिलीफ इसमें आता है कि द मेंटल एक्ट कंडीशन और हैबिट आर प्लेसिंग ट्रस्ट और यकीन और कॉन्फिडेंस और इतमाद इन अनदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन चार ऑप्शन थी इसमें, मैंने कहा मैंने सोचा कि कन्फ्यूजन है इसलिए यही लफज बिलीफ मैंने लिख दिया है। द हॉटेस्ट प्लांट इज वीनस, सबसे गर्म तरीन सियारा है। पॉइंटर अरेजेज व्हेन यू यूज द एड्रेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स लाइफ टाइम इज ओवर, डिजलिंग झंझट, डिजलिंग झंझट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री, सबसे पहले जो इन रशियन फ्रांस और चाइनीज रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन सिविल वार हुई थी 1775 से ले 1775 से लेकर 1783 तक, ये साल बनते हैं 5 और 3, 8 साल के, 8 साल लड़ी गई इन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 8 ईयर 8 साल। ये सवाल इस तरह के आते हैं रशियन फ्रांस और चाइनीज रेवोल्यूशन के मतलब का। द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर वाज डन बाई वैन गोगा ने पेंट किया था। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930 ओरिजिनेट इन USA में हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस 1930 में हुए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ एपिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इज इन
ये सिंगापुर में बनाई गई थी, और इसकी जो फाउंडेशन का ईयर है वो 1989 है, 1999 में बनाई गई थी। विच कंट्री इज इंक्लूडेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो चार कंट्री हैं, डिजिबोटी, इरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। ये इंतहाई अहम सवाल है, ये आपने ज़रूर याद करना है। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।